हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल में सेमिया कस्टर्ड। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन को प्रीहीट कर लिया है। जैसे ही पैन यहाँ पर प्रीहीट हो जाए, तब हम यहाँ पर डाल देंगे एक छोटा बाउल जितना सेमिया। और दोस्तों, यहाँ पर हमें सेमिया को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और तकरीबन 2 से 3 मिनट होने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जितना घी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। तो फिर से हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस तरह से सेविया को रोस्ट कर लेना है। दोस्तों ध्यान रहे, हमें यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, वरना सेविया जल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी सेविया यहाँ पर अच्छे से रोस्ट होने लगी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी सेविया अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 400 ml जितना दूध, यानी कि मिल्क। जैसे ही हम यहाँ पर दूध डाल दें, तब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। दूसरी ओर हम लेते हैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून जितने सब्जा सीड्स, जिसे हम आधे घंटे तक भिगो के रखेंगे, ताकि ये जो सब्जा सीड्स है वो पानी में अच्छे से फूल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब फिर से हम इसे कंटिन्यूसली इस तरह से हिलाते रहेंगे। यहाँ पर हमें दूध डालते ही इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, ताकि ये जूट जो है नीचे कहीं चिपक ना जाए और जल ना जाए। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ केसर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर केसर डाल दिया है। तो फिर से हम इस तरह से इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, अब मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद, जैसे ये थोड़ा सा कुक हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ इलायची। मैंने यहाँ पर 2 इलायची का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इलायची डालते ही फिर से हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा बाउल जितना शक्कर। यहाँ पर शक्कर डालते ही फिर से हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर गैस के फ्लेम को तकरीबन 2 मिनट तक लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे। और दूसरी ओर हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे ये जो कस्टर्ड पाउडर है उसकी फ्यूरी। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। और आप यहाँ पर चाहो तो दूध या पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। और जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी फ्यूरी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो चलिए, एक बार हम इसे फिर से लगातार 1 मिनट तक इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। और जैसे ही ये मिक्स हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो कस्टर्ड पाउडर की फ्यूरी हमने बना ली है, उसे हम ऐड कर देंगे। इसे ऐड करते ही फिर से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसे हिला लेना है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जितना इसेंस। इसे क्या होगा, आपकी कस्टर्ड को बढ़िया सा फ्लेवर और बढ़िया सा फ्रैग्रेंस आ जाएगा। दोस्तों इसे डालते ही फिर से हम इसे लगातार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे कलर। मैंने यहाँ पर पिंक कलर यानी कि स्ट्रॉबेरी कलर का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बूंदें डाल दी हैं। तो अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, कितना बढ़िया सा कलर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हमारा सेमिया कस्टर्ड लगभग तैयार हो ही चुका है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे तकरीबन 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम यहाँ पर ये जो सेमिया कस्टर्ड है एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे हमें तकरीबन 2 घंटों तक फ्रिज में चिल होने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों तो चलिए, अब हम यहाँ पर लेते हैं कुछ फ्रूट्स। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। तो इन सभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे फ्रूट्स भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर जो सब्जा सीड्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं और उसी के साथ हमारा जो कस्टर्ड है वो भी अच्छे से चिल हो चुका है। तो चलिए, अब हम चलते हैं कस्टर्ड के सर्विंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ सब्जा सीड्स। जैसे ही सब्जा सीड्स डाल दें, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे सेमिया कस्टर्ड। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो भी फ्रूट्स हमने लिए हुए थे वो फ्रूट्स।
फ्रूट्स डालते ही फिर से हम यहाँ पर कुछ सब्जियाँ डाल देंगे और फिर से यहाँ पर सेमिया कस्टर्ड। दोस्तों इस तरह से आपको जो सेमिया कस्टर्ड है वो सर्व करना है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया और कितना आसान तरीके से हमारा ये सेमिया कस्टर्ड घर पर बन जाता है और दिखने को भी कितना डिलीशियस दिखता है। तो दोस्तों ये सेमिया कस्टर्ड आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए यस टू कुकिंग हेवन देखते रहना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।